अस्सलामुअलैकुम, आज मैं आपके साथ अफगानी चिकन ग्रेवी की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत मजेदार बनेगी, इसे जरूर बनाएं। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए इसे लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने हाफ के जी चिकन लिया है और इसमें मैंने कट लगा लिए है। इसके अलावा आधी गड्डी धनिए की, एक मीडियम प्याज, इसको मैंने बॉइल कर लिया है, चार हरी मिर्चें और ये हाफ कप दही, इस सब का मैं पेस्ट बना लेती हूँ। ये मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, ये मैं चिकन में शामिल कर देती हूँ। इसके अलावा इसमें जाएगा 3 टेबलस्पून क्रीम के, आपके पास क्रीम हो, बलाई हो दूध की, जो भी वो आप शामिल कर लें। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 2 टेबलस्पून ऑयल। ये हम इसमें मिक्स करके इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। चिकन मैरिनेट हो गई है, अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून लेमन जूस का शामिल कर देती हूँ। इसे मिक्स करते हैं। पैन में मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है और इसको गर्म कर लिया है। अब इसमें मैं एक एक पीस उठा के फ्राई करती हूँ। सारे पीसेस को मैं 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेती हूँ। चिकन फ्राई हो गई है और इसका अच्छा सा कलर आ गया है। अब ये जो हमारी ग्रेवी बची थी इसको हम इसमें शामिल कर देते हैं। इसको मिक्स करते हैं और मीडियम फ्लेम पे से 10 मिनट के लिए पकाते हैं और बीच में हम एक दो मरतबा चमचा चलाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए और चिकन गल चुकी है। अब इसे हम थोड़ा सा भून लेते हैं और इसमें ये 2-3 हरी मिर्चें शामिल कर देते हैं। चिकन अच्छी तरीके से भून चुकी है, अब इसमें हम कोयले का धुआं लगा देते हैं। और इसे ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। अफगानी चिकन कुक हो गई है, अब इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। अफगानी चिकन ग्रेवी तैयार है, इसे जरूर ट्राई करें।